नमस्कार, एस्ट्रो टुडे एकेडमी के मासिक राशिफल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे मीन राशि में जन्मे लोगों के लिए साल 2023 में जून का महीना कैसा रहने वाला है। जून में होने जा रहे ग्रहों के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और ये भी जानेंगे कि इन ग्रहों के परिवर्तन से होने वाले नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए आपको इस महीने कौन से उपाय करने हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मीन राशि में जन्मे लोगों के करियर की बात करें तो आपके कर्म भाव और लग्न के स्वामी गुरु आपके सेकंड हाउस यानी धन भाव में गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है। इस महीने धन लाभ की संभावनाएं बनेगी। करियर व्यापार में आ रही प्रॉब्लम्स में कमी आएगी। करियर में बदलाव की भी संभावनाएं बनेगी। जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज मिलने से लाभ होगा। जॉब में प्रमोशन के भी योग बन सकते हैं, लेकिन सेकंड हाउस में स्थित राहु ज्यादा अच्छे फल नहीं देते, वाणी में कटुता लाने का काम करते हैं। इसके अलावा बुध और राहु की युति के चलते भ्रम की स्थितियां भी बन सकती हैं, जो कि संबंधों को खराब करने का काम करेंगी। कुटुंब परिवार में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए इस महीने आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, अपशब्द कहने से बचना है और वीडियो में बताए उपाय अवश्य करने हैं, अन्यथा परेशानी हो सकती है। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखें कि गुरु राहु की युति आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। वर्कप्लेस पर भ्रम की स्थितियां बनेंगी। इस टाइम पीरियड में आपको हर बात, हर कार्य बहुत सावधानी के साथ और धैर्य से करना है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना और बात करते समय विवाद और बहस की स्थिति नहीं बनने देनी। अपने सीनियर और कोलीग्स के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं, आपके करियर के लिए बेहतर रहेगा। मीन राशि में जन्मे लोगों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी मंगल फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, धन लाभ के भी योग बनेंगे। पिछले कुछ समय से आ रही आर्थिक तंगी में कमी आएगी। सेकंड हाउस में गुरु और बुध का गोचर धन लाभ कराने वाला रहेगा। इसके अलावा दैनिक आय में भी वृद्धि के योग बनेंगे। इस महीने लग्जरीज पर धन खर्च की संभावनाएं बनेंगी। 17 जून के बाद शनि भी आपको लाभ दिलाने का काम करेंगे। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। एक से ज्यादा इनकम के सोर्स बनने से लाभ होगा। मीन राशि में जन्मे लोगों की लव लाइफ की बात करें तो इस महीने आपके फिफ्थ हाउस में मंगल और शुक्र का गोचर आपके संबंधों को खराब कर सकता है। इस टाइम पीरियड में आपको किसी प्रकार की बहस, विवाद, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, अन्यथा संबंध खराब हो सकते हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध सेकेंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ युति भी बना रहे हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानियां दे सकते हैं। बस आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है और अपशब्द कहने से बचना है। इसके बाद 7 जून को बुध थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 24 जून तक थर्ड हाउस में रहेंगे। समय ठीक रहेगा, लेकिन 24 जून को जब बुध अपनी ही राशि में गोचर करेंगे तो अच्छे फल दिलाने का काम करेंगे और मैरिड लाइफ में चल रही परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। मीन राशि में जन्मे लोगों की हेल्थ की बात करें तो पिछले कुछ समय से शनि के प्रभाव के चलते आपको बॉडी पेन, पैरों में दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर रही थी, लेकिन इस महीने जैसे ही शनि 17 जून को वक्री होंगे तो स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम करेंगे। बस इस महीने आपको राहु के प्रभाव के चलते ज्यादा गुस्सा करने और अपशब्द कहने से बचना है, अन्यथा मेंटल स्ट्रेस और सिर दर्द जैसे हेल्थ इश्यू परेशान कर सकते हैं। मीन राशि में जन्मे लोगों की एजुकेशन की बात करें
तो आपके पंचम भाव में स्थित मंगल और शुक्र के प्रभाव के चलते स्टडीज में फोकस नहीं बना पाएंगे, जिसके चलते आपकी शिक्षा प्रभावित रहेगी। इसलिए इस महीने अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, बेकार के कार्यों से दूर रहें और हार्डवर्क से बिल्कुल न घबराएं, सफलता जरूर प्राप्त होगी। मीन राशि के लिए उपायों की बात करें तो आपको इस महीने रात के समय काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी है और इस पूरा महीना पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था जरूर करें और अपने राशि स्वामी शनि के मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र का लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप अपने संपूर्ण जीवन का राशिफल जानना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।